हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि जो बीएससी आप 2022 का पेपर देने वाले हो, 2022 के मेन एग्जाम भाई मार्च अप्रैल या फिर मार्च अप्रैल में हो जाएगा भाई, उससे पहले कोशिश कर, लेकिन कोशिश रहेगी, लेकिन हो भी सकता है, क्लियर नहीं कह सकते। तो सभी छात्रों से कहना चाहेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एक जस्ट मोमेंट रुकेंगे, हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, वही तरीका हम बता रहे हैं आपको कि ये है 2022 में आने वाले क्वेश्चन। तो 2022 में हमें क्या क्या पढ़ना है, अब तक आपने क्या पढ़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या पढ़ने वाले हो ये फर्क पड़ता है। आपको क्या करना है 2022 में, जो बता रहा हूं किस तरीके से पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना। मैं आपसे वादा कर सकता हूं, आपको पता होगा, मैं आपसे कह सकता हूं कि 90% यहां से देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हो तो 90% प्लस आपको मिलेंगे यहां से, 90% मतलब कि पेपर में टोटल यही आते होंगे लगभग। ये क्वेश्चनों की संख्या मान लो 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ ले लेते हैं, रट लेते हैं, कुछ भी समझ सकते हो, तो 90% प्लस आ जाता है। यदि आप, मैं एग्जाम से 2 दिन पहले, केवल 2 डे पहले मैं आपको दूंगा कितने क्वेश्चन, आप कहोगे केवल 10 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन मैं आपको केवल कितने दिन दूंगा, 2 दिन पहले दूंगा एग्जाम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप यूपी के, 2 दिन पहले दूंगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उत्तराखंड से भी हो तो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उत्तराखंड वाले जो भी है, बिहार वाले जो भी छात्र है उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना आप। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, 2 दिन पहले 10 क्वेश्चन दूंगा, एग्जाम में टोटल वही आते होंगे, ये लिख सकता हूं, इन 10 क्वेश्चन से टोटल की बात करने मतलब 70% फंसेंगे, 70% का मतलब है कि 7 क्वेश्चन यहां से आपके फंसेंगे, 10 से 11 क्वेश्चन हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आएंगे, 70% रिजल्ट मैं दे सकता हूं 2 दिन पहले, हो सकता है 1 दिन पहले भी दे सकता हूं किसी किसी पेपर का, 1 दिन बहुत जल्दी हो सकता है 1 दिन दे दूंगा, लेकिन 2 दिन पहले कोशिश करूंगा कि 2 दिन पहले आपको दूं, यदि नहीं होता है तो 1 दिन पहले तो आपको मिल ही जाते हैं, आपको पता है एग्जाम से पहले मैं देता हूं सब कुछ, और एग्जाम में वही आता है ये भी आपको पता है, विश्वास है ना आपको पेपर हैकर पे, तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जो छात्र बीए में है, बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बीए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बीएससी में है बीएससी पेपर हैकर को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बीकॉम में है बीकॉम को कर लो, एमएमएससी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, और साथ ही साथ इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और किसी किसी पेपर में क्या होता है, किसी किसी छात्र के एमसीक्यू पेपर हो जाता है, पहला पेपर एमसीक्यू है, सेकंड पेपर एमसीक्यू हो सकता है, जिसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहा है, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन को हमने प्ले स्टोर पर पब्लिश कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑल नोट्स के अलग अलग एप्लीकेशन बना रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मतलब सब कुछ फ्री आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, अब आप देख सकते हो नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री, आपको कोई दिक्कत ही ना है, ऐप डाउनलोड करो आराम से पढ़ाई करो, पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करते हो हमारे नोट्स की तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो भी चार्ज होगा वहां लगा हुआ, यदि आपका नोट्स हमने वही पीडीएफ को जो नोट्स दिया है वो हमने ऐप में कन्वर्ट कर रखा है तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से हमने आपको दिया है, हेल्प किया है, सोल्यूशन निकाला है कि आपको कोई जो बच्चे पैसे देकर मतलब कि उसमें नोट्स लाकर कहीं अपने कैफे में निकलवाना चाहते हैं, नोट्स खुद बनाना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी और को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, समझ रहे हो, तो उसके लिए हमने नोट्स बनाए हैं, एप्लीकेशन कम टाइम में यूज करो, ज्यादा टाइम यूज करो, जब चाहो अनइंस्टॉल करो, जब चाहो इंस्टॉल करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे 2022 में आने वाले क्वेश्चनों को ध्यान से देख लो, तो आपके पास नोट्स बुक गैस पेपर बहुत सारे क्वेश्चन में ले लेते हैं लोग, यदि आपने नहीं लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ले रखा है तो अपने नोट्स पे टिक लगा लेंगे आप, जो जो आपको याद करना है, क्या याद करना है ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन वो हमारा, देखो मैं पूरा डिलीट मार देता हूं, देखो ये क्वेश्चन है पहला बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, पहला है संघ यूरोकार्डेटा, तो यूरोकार्डेटा के समान लक्षण आपसे पूछता है भैया, ये कहेगा कि संघ यूरोकार्डेटा के समान लक्षण और उसका कोई एक एनिमल, यदि लॉन्ग में पूछेगा तो लक्षण पूछ लेगा और उसमें एक एनिमल के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करो, वो एनिमल क्या होगा, वो आपको हार्ड मानिया होगा, क्या होगा हार्ड मानिया, हार्ड मानिया की भाषा रचना याद कर लेना, स्वभाव उसका हैबिट कैसी होती है, आहार नाल के बारे में याद कर लेना,
रुधिर परिवहन तंत्र कैसा है उसका, बस इतना याद करेंगे। हार्डमानिया के अंदर, हार्डमानिया में थोड़ा सा कुछ और देखने को मिलता है, यहां से ध्यान से देखेंगे। और ये एनिमल किसका है, तो आपको यूरोकार्डिया के संकेत होता है, ठीक है। इसके जो लक्षण देखने को मिले, जो आपको हार्डमानिया में जो भी लक्षण देखने को मिले वो आप यूरोकार्डिया में डाल देना, वही उसका आंसर होगा, कोई इश्यू नहीं है। आप इस प्रकार से बना के कर सकते हैं, आपको जो भी याद है, जो भी आपको याद है, यदि नहीं भी है तो भी आप बना बना के क्वेश्चन को करके आएंगे, छोड़ के नहीं आना है। मतलब कुछ भी हो जाए छोड़ के नहीं आना है, टोटल वही करके आना है जो आपको याद है या नहीं भी है तो भी आपको करके आना है। लेकिन जब आपने एक बार पढ़ लोगे ना क्वेश्चन को, तो थोड़ा तो मतलब 100% में से 20% तो याद होगा। मैं 100 का 50% नहीं करूं, 50% याद होगा, 100% था 20% तो याद होगा, 20% ही याद है ना, उससे ही आप, उससे कम से कम 50% तो बना सकते हो, 50% तो बना ही सकते हो, तो उसको बना के लिख देना, क्या दिक्कत है। यदि याद नहीं है तो वरना आपको यहां से कुछ बाहर नहीं जाएगा, आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, रट लोगे, मुझे पता है काफी दिन है एग्जाम के लिए, ठीक है, रटने में तो आप परफेक्ट हो। उसके बाद में क्या, हार्डमानिया में एक और पूछ लेता है कि हार्डमानिया का जो टैडपोल लार्वा होता है, ये लार्वा इंपोर्टेंट है। तीन लार्वा इसमें मैंने दिए हैं पूरे पेपर में, तीन लार्वा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहां से दो लार्वा आपको देखने को मिलेंगे, अथवा भी मिलेंगे, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो सबके लिए इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड से बिहार सबके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। टैडपोल लार्वा पढ़ लेंगे, अंडे की संरचना कैसी, उसके महत्व के बारे में, और प्रतिगामी कलांतर क्या होता है, आप इसको टिक लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाओ, देखो एक दूसरा इसमें संघ एक और दे रखा है जिसे कहते हैं हेमिकार्डेटा। तो देखो हमने यूरोकार्डेटा ऊपर पढ़ा था, अब पढ़े हेमिकार्डेटा के समान लक्षण। उसके बाद में जो हेमिकार्डेटा के समान लक्षण के अंतर्गत एक और आता है जिसको एनिमल कहते हैं एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस को एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं ब्रेकियोस्टोमा। इसका पाचन तंत्र याद कर लेना है, उत्सर्जित तंत्र याद पढ़ लेना है एक बार, और रुधिर परिवहन तंत्र को पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारे नोट्स में हमारे मिल जाएंगे शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद को है देखो, अब हम एम्फियोक्सिस से पढ़ लेंगे, तो एम्फियोक्सिस के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑरल होल्ड पूछा जाता है, पूछेगा तो ये शॉर्ट में पूछेगा आपसे, और व्हील ऑर्गन के बारे में। तो ये दोनों अच्छी तरीके से, ऑरल होल्ड और इसको एंडोस्टोमाइल, पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना इसको छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, बाकी ये दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो नीचे जाओ, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग बना दूंगा, जैसे कि एमजेपीओ, लखनऊ, कानपुर, ये सबके लिए अलग अलग बना दूंगा, लेकिन हाँ ये यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप इतना ही पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलेगा तब, क्योंकि यार बहुत वीडियो बनाने की काफी टाइम मिला, क्योंकि बहुत सारी वीडियो देखिए, आप इतना पढ़ो पहले, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सरीसृप के समान लक्षण, उनके वर्गीकरण। सरीसृपों का देखो, सांपों के बारे में, सरीसृपों, बछड़े, सबके बारे में देखने हैं, चिपकली बिगली का, तो सरीसृपों का समान लक्षण देख लेना, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं सरीसृपों में। एक आता है एक विषैले सर्प के जो विष उपकरण होते हैं, मतलब कि विषैले दांतों, दांत का जो विन्यास होता है, एक सांप है उसका विषैले दांत इस प्रकार से खुलता है, तो उसका पूरा विन्यास, यंत्र वगैरह पूरा वर्णन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में अंडे देने वाले स्तनधारी को वर्णन कर देना है, अंडे देने वाले स्तनधारी कौन कौन से हैं, जलीय स्तनधारी कौन से होते हैं, ये सब शॉर्ट में आपसे पूछता है, एक बार इसको देख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, विषैले और विषहीन सर्पों में अंतर याद रखना। विषैले सांप जो जिसमें विष होता है, इसमें विष नहीं होता है, विषहीन सर्प कहलाते हैं, उन दोनों में अंतर आपको देख लेना है, ठीक है। और ये है आपका निकोटी, क्या होता है इसका महत्व और प्रकार के देख लेना, अच्छे इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाओ बेटा, टिक लगा लो अपने बुक में, नोट्स में, जो भी है, इस वीडियो को डाउनलोड करके कुछ भी जाओ कर सकते हो। 2022 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, एग्जाम से पहले भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, देखियो मैंने आपको बताया था दो लार्वा, मैंने एक लार्वा टैडपोल लार्वा ऊपर बता रखा है, अब देखो यहां आपसे आ जाता है एक्सोलोटल लार्वा, मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्सोलोटल लार्वा, और एक होता है टोनेरिया लार्वा। इन एक टैडपोल लार्वा, टोनेरिया लार्वा और एक्सोलोटल लार्वा, ये तीन लार्वा मैंने दिया था इस पूरे बुक में, पूरे पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये तीन लार्वा में से एक लार्वा जरूर पूछेगा, किसी भी हर यूनिवर्सिटी में पूछेगा, इसकी बात कर रहा हूं हर यूनिवर्सिटी में, इसलिए इसको आप याद करेंगे और इसको टिक लगा लो। उड़न पेशी के लक्षण क्या होते हैं, उनके कार क्या होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में देखो ये उड़न पेशी के लक्षण और कार्य जब पढ़ेंगे तो यही आपको बर्ण पिच और जिसे कहते हैं छादन पिच दोनों देखने को मिलेंगे, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना, धीरे धीरे इसको करते हैं। देखो इसमें देखेंगे स्तनधारी के दंत विन्यास के बारे में, और दंत विन्यास जो होता है स्तनधारी का, उसका वर्णन कर देना है,
अच्छी तरीके से देखना है, परिवर्धन के बारे में भी वही देख लेना, वही परिवर्धन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो यहां प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया में आपसे अंतर पूछ लेता है या फिर समान लक्षण। प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया में अंतर पूछेगा, इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नदियों, देखो नदियों और समुद्र स्थल पर पाए जाने वाले कछुए में अंतर आपसे पूछ लेता है, नदियों और समुद्र और स्थल पर पाए जाते हैं जो कछुए होते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपसे अंतर पूछ लेता है, उसमें अंतर बताओ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखो हिप्पोकैम्प्स जो मछली होती है, हिप्पोकैम्प्स मछली फिश, उसको देख लेना है। और साइक्लोग्लासेस पर टिप्पणी, इसको भी एक बार पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना इसको, क्या दिक्कत है, शॉर्ट में पूछता है आपसे, ठीक है। एकिनिस मछली इसको छोड़ो, और फोपस एंडिस मछली इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे वरना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये वाला पादप विहीन उभयचर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पादप विहीन उभयचर के बारे में टिप्पणी पूछ लेता है आपसे, पादप विहीन उभयचर क्या होते हैं इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, पादप विहीन उभयचर क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में जिसे हम इक्टियोफिश के नाम से जानते हैं, देखो इक्टियोफिश भी कह सकते हैं पादप विहीन उभयचर को, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और बस दो क्वेश्चन और देखना है यहाँ, बाकी कुछ नहीं देखना। एक होता है बेलोनोग्लॉसिस, देखो बेलोनोग्लॉसिस की आंतरिक संरचना, आंतरिक संगठन के बारे में पूछ लेगा या फिर आंतरिक संरचना पूछ लेगा, और बेलोनोग्लॉसिस की तंत्रिका क्या होता है, तंत्रिका और स्वदी संरचना के बारे में। बेलोनोग्लॉसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मोस्ट लगा लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको अच्छी तरीके से बेलोनोग्लॉसिस के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना बाह्य संरचना आपसे पूछ लेगा, तो अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में माइमेरा को पढ़ लेना, गिरगिट को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और देखो देखो मैंने अभी ऊपर बताया था हमको प्रोटोथेलिया और मेटाथेलिया में अंतर, तो वही देखो आ गया, ऊपर वाला मैंने इसे बता चुका हूँ, तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट कह सकते हैं न्यूट्रिकस का वर्गीकरण, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ो, बस इतना ही पढ़ लो, बहुत है आपसे, ऊपर इसको भी छोड़ो, ठीक है, सल को ऊपर जो मैंने आपको बता दिया यही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप 90% प्लस ले लेना, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया है। आप जब भी पेपर हुआ करें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पे सीधे आप मतलब पेपर को भेज दिया करो, उसका पूरा रिव्यू करके दिखा दिया करूंगा मैं आपको कि देखो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना, बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आई, मतलब कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है, मतलब इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये समझ लो, कुछ भी नहीं पढ़ना, समझ रहे हो। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बीएससी पेपर है कर को, बीए पेपर है कर को, बीकॉम पेपर है कर को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।